से याद करते हैं किस तरह से उनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई है। तो आपका स्वागत है द न्यूज इंडिया में। तो आज के मौके के बारे में बताइए और आप बताइए कि आपका परिचय भी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नवाब उस्मान अली खान बहादुर, आज उनकी 53rd डेथ एनिवर्सरी थी जो आज नतीजा जी ये बनाई गई है। उनकी जो औलाद है उसमें 60 बेटे और 18 बेटियां हैं और मेरी वालदा उनकी जो लास्ट बेटी पहली साहिबजादी सैयदा बेगम हौसियत लेली पाशा, आज उनकी 51 डेथ एनिवर्सरी पर जिदी पर बनाई गई है। अफराद खानदान मौजूद था और ये हर साल बनाई जाती है, एक पर्सनल फैमिली अफेयर रहता है। तो आज प्रशासन की पूरी व्यवस्था थी वहाँ पर, परिवार के लोगों के अलावा अधिकारी लोग भी वहाँ मौजूद थे? नहीं मैडम, अधिकारी लोग तो कोई मौजूद नहीं थे, सिर्फ उनका पर्सनल ट्रस्ट था, ट्रस्ट के लोग थे और अपनी फैमिली के लोग थे और कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट का कोई आदमी ऐसा कोई प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया था। तो आखिर ऐसा क्या कारण है, क्यों इस तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा है, जबकि हालांकि उन्होंने देश के लिए और साथ साथ इन तीन राज्यों की बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के लिए अपने जीते जी काफी कुछ किया। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इसको लेकर महसूस होता है? ऑब्वियसली महसूस होता है मैडम, हम लोग फील करते हैं कि जब भी जब जरूरत पड़ती है, कोई एक पॉलिटिकल एजेंडा रहता है या पॉलिटिकल कोई इशू रहता है उसके लिहाज से इनको इस्तेमाल किया जाता है, इनकी बरसी में आया जाता है और कभी कभी बातें की जाती है कि एक हॉलीडे डिक्लेयर करेंगे इनकी डेथ एनिवर्सरी पर। तो अभी तक कोई हॉलीडे इनके नाम से सरकार ने डिक्लेयर नहीं करा। आज देखिए मैडम, आज तेलंगाना होकर 6 साल हो गए, इससे पहले जब तेलंगाना इजलास में आने से पहले बातें बहुत की गई थी कि ऐसा किया जाएगा वैसा किया जाएगा, केबीआर पार्क का नाम चेंज करके आसिफ जाई पार्क रखा जाएगा, लेकिन ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ मैडम। और इससे पहले भी लोग आते थे, जब भी कोई पॉलिटिकल इशू होता है जब आ जाते खबर कर पर फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाकर चले जाते हैं। कुल मिलाकर राजनीति हो रही है और ये ऐसा मुद्दा है जो कि देश के मान सम्मान के साथ साथ पूरे हैदराबाद के मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं महापुरुषों के साथ राजनीति का शिकार हो चुके हैं निजाम शासन के लोग और निजाम शासन के वंशज, जिसके चलते जिस मुकाम पर आज उन्हें होना था वहां नहीं पहुंच सके। तो आखिर आपकी क्या मांग है सरकार से या क्या आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से जो चीजें हैं वो सामने आए? पहले तो सरकार से मैं ये चीज डिमांड करना चाहता हूँ मैडम कि हमारे यंगस्टर्स इससे बहुत पीछे है, हिस्ट्री से बहुत पीछे है, कि हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं, क्योंकि ये जो है आप अंबानी को देखेंगे, टाटा बिरला को देखेंगे, ये बहुत बड़े भारत के उद्योगपति है, लेकिन निजाम सरकार जो है वीर उस्मान अली खान बहादुर, ये जो है एक आर्किटेक्ट ऑफ तेलंगाना है। आज हॉस्पिटल देखिए, असेंबली देखिए, हर जगह जहां पर भी देखेंगे आप, एजुकेशन के फील्ड में देखिए, आपका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और एक इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन है, आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो जो इस एरिया का जो क्षेत्र वृद्धि कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं योगदान आज उनका है जो उन्होंने फाउंडेशन डाली थी। आज जो फाउंडेशन डाले आज तक उन्हीं का योगदान पे चल रहा है मैडम। आज आज जो वो जमाने में जब उस्मान का हॉस्पिटल बना था मैडम, कि उसकी क्या पोजीशन थी उस टाइम पे, और आज जो है मैडम आज गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं कर सकती है बराबर। तो जैसा कहा जाता है कि उनके पास बहुत धन था और कई बार सरकार ने भी उनसे मदद ली, इसी तरह का कुछ फंड लंदन में भी है, उस बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें। हाँ मैडम, लंदन में एक फंड है और फैमिली के बहुत लोगों ने उसमें अपना स्टेक डाला है, लेकिन एक मेरा ओपिनियन ये है कि ये पैसा तेलंगाना का है और तेलंगाना के माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसे हर क्षेत्र में काम आएगा। तो आप ये चाहते हैं कि ये पैसा वापस लाया जाए और अल्पसंख्यक के विकास के लिए या तेलंगाना के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाए, जो कि यही का है और निजाम का है। जी हाँ मैम, यही का पैसा, यही के लोगों को काम आना चाहिए पैसा। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी या कौन सी सरकार इसे ला सकती है? आपको जो इस क्षेत्र के बारे में भी जानती हो और यहाँ के लोगों की जरूरत के बारे में भी जानती हो, तो अगर इस तरह से इसे वापस लाया जाता है तो आप कौन सी पार्टी से? जब मैंने आपसे माइनॉरिटी की बात की मैडम, सरकार तो सरकार है, सरकार तो सेक्युलर है, लेकिन माइनॉरिटी की जब बात की, माइनॉरिटी डेवलपमेंट है, तो बेस्ट अगर आपको इसके लिए है ना मैम, तो MIM जो पार्टी है जो काम कर रही है हर क्षेत्र में,
जो मुसलमान के लिए हर किसी के लिए जो काम कर रही है, उनका जो एजुकेशन के फील्ड में मेडिकल के फील्ड में उनकी अस्पताल जिस तरीके से चला रही है, जिस तरीके से एजुकेशन प्रदान कर रही है बच्चों के लिए, तो ये फंड उनके लिहाज से उनके माध्यम से उनको दिया जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ साथ हम भी यही गुजारिश करेंगे कि ये धर्म वापस आए और यहाँ की तरक्की का माध्यम बने। आज आप हमारे बीच मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।